नमस्कार, इंडिटैप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया केशव मौर्य। हसनपुर रहरा मुबारिजपुर कस्बा रहरा के श्री प्रकाश वीर शास्त्री इंटर कॉलेज के मैदान में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य प्रसाद ने दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि दंगाई कभी प्रदेश की शक्ति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए हैं। आज दंगाइयों पर भाजपा सरकार ने ऐसा शिकंजा कस जिससे कि कोई गलत कदम नहीं रख सके और पिछली सरकार सत्ता का संरक्षण रखते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर सड़क और चौराहे पर लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो गुंडा राज व जंगल राज कायम हो जाएगा। अधिक संख्या में पुलिस बल अलर्ट होकर जगह जगह मुस्तैद रहा। बीते 5 सालों में तस्वीर और तकदीर बदलकर सुरक्षा विकास एवं सबके सम्मान के जिस अभियान भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। देश व प्रदेश भर में अपराध की संस्कृति को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 2,25,00,000 रुपए से अधिक के MSP की सीधी किसानों के खाते में स्थानांतरित की घोषणा की है। तो कोई भी ईवीएम मशीन क्या कमर के फूल के अलावा किसी और चुनाव निशान को जगह बचेगी क्या? अभी जगह बचेगी क्या? एक बात और याद रखना, अभी हमारे बहन जी कह रहे थे उसके चुनाव होते होने से पहले कह रहे थे फूल के लिए, अरे वो तो बने गए, उसकी चिंता मत करो। मैं तो यहां आपको बताना चाहता हूं कि 2017 से और 2022 में कोई पिक्चर दिखाते ना, फिल्म आकर लोग टीवी में देखते, पहले पिक्चर हॉल में जाते थे तो उसका थोड़ा सा ऊपर दिखा देते थे टेलर। अभी 2017 से 2022 तक तो आपने टेलर देखा है। दो हजार 2022 से आपको असली पिक्चर दिखाने का काम करेंगे।